एक्चुअली अडानी 5G में चल क्या रहा है, किस तरीके से अडानी 5G सेक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, जहां पे कहीं ना कहीं जो हमारी ऑल बात की जाए जियो 5G हो गया या एयरटेल 5G हो गया या वीआई 5G हो गया, तो ये किस तरीके से टक्कर प्रोवाइड करवाएगा। बीएसएनएल मिस हो गया था और बीएसएनएल 5G भी अब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने वाला है क्योंकि 5G नेटवर्क आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बात करी जाए तो अडानी 5G किस तरीके से आपको डिलीवर करेगा, एक वो भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जैसे कि बात करें अडानी टेलीकॉम सेक्टर में ऑप्शनिंग जो मतलब पार्टिसिपेट तो कर लिया था, जहां पे 400 MHz का और 2600 GHz का बैंड खरीदा था। बट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल खरीदने में जो पैसा खर्च किया था 212 करोड़ रुपए खर्च किया है, जिसकी जो बात करें लीज है वो 20 साल की लीज अभी अडानी ग्रुप के पास ही रहेगी। और इन्होंने इतने टाइम में मतलब अराउंड एक साल निकलने जा रहा है कि अभी कितना अपग्रेड किया है और किस तरीके से वर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। जैसे कि बात करें अडानी डेटा नेटवर्क जो है वो अपनी फर्स्टली जो अपनी 5G सर्विस है वो B2B प्रोवाइडर स्टार्ट करवाएगा। डेट मीन्स ये है कि यहाँ पे बात करी जाए तो अडानी ग्रुप आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा अपने अडानी डेटा नेटवर्क से, आपको किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अडानी ग्रुप आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाएगा। जैसे कि बात करें अडानी डेटा नेटवर्क, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम डायरेक्टली अपनी सर्विस कस्टमर्स को देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो बाया बीच में किसी थर्ड प्लेयर को खड़ा करके तब वो आगे सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है अडानी ग्रुप की तरफ से वो B2B सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए करा जा रहा है। जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी वो आपको कहीं ना कहीं जो है बात करी जाए तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो खर्चा भी कम होता है, ऊपर से यह है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसका रिवेन्यू बढ़ जाता है, बट टोटल कस्टमर्स के पास जो कॉस्ट आती है मतलब किसी भी तरीके से डेटा प्लान या किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से डेटा प्लान आता है वो कॉस्टली हो जाता है। जैसे कि बात करें अब अडानी ग्रुप को ना टावर की टेंशन ना मतलब फाइबर इंस्टॉलेशन की जरूरत, उन्होंने अपने बैंड्स अब थर्ड पार्टी को दिए, उन्होंने कहा भाई साहब आप यूज करिए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, नेटवर्क हो गया, टावर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गई, सर्वर राउटर, इस तरीके की चीजें आप वो खुद इंस्टॉल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 5G कनेक्टिविटी है वो तो आपको बेहतर मिलेगी, लेकिन यह है कि थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है जहां पे थर्ड पार्टी पैसा खर्च करती है, क्योंकि ऑलरेडी अब रिसेंटली कोई ऑप्शनिंग नहीं होनी है, तब तक ये 5G पूरा डेवलप नहीं हो रहा था। 2023-24 तक आपको ऑप्शनिंग देखने नहीं मिलेगी 5G की, तो उस दौरान बात करें तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व होगी वो अडानी 5G लेके होगी, क्योंकि 400 MHz का जो बैंड है वो भी बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाने में एबल है। और साथ में बात करें 26 GHz का जो बैंड है वो आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल गैजेटों के अंदर यूज करने के लिए मिलने वाला है, जैसे कार हो गई या और अदर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस हो गए, उसमें आपको और अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। जियो कहीं जियो जो 26 GHz का बैंड है वो कहीं ना कहीं अपने जियो एयर फाइबर में लाके आपको और ज्यादा बेहतर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे बात करी जाए तो आपको जल्द ही कुछ नई कंपनियां पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देंगी अडानी ग्रुप की तरफ से, ना कि नॉर्मली बात की जाए तो IT मिनिस्ट्री ने अलाउंस दिया है, क्योंकि वो एक तरीके से थर्ड पार्टी होंगी, आपको B2B बिजनेस प्रोवाइड करवाएंगी। ऐसी 4G में भी हुआ था, बहुत ज्यादा कंपनी आप देखते होंगे जो नॉर्मली ज्यादातर लोग चलाते हैं उनसे हट के कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको B2B सर्विस प्रोवाइड करवाती है बेस्ट इंटरनेट, तो वही चीज अब कहीं ना कहीं 5G में देखने के लिए मिलेगी। और भी बहुत कुछ चैनल पे वीडियो आने वाली है, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।